के आलोक में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी हिरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी झारखंड के साथ छापाबारी की गई और छापाबारी के क्रम। नमस्कार, मैं सोहन राज और आप देख रहे हैं 24 इंडिया टीवी। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 160 पीस सोना सोब्रम योजना का धोती साड़ी व लुंगी बरामद। जहां झारखंड सरकार के द्वारा सोना सोब्रम योजना की शुरुआत की गई थी ताकि जरूरतमंद गरीबों को उच्च क्वालिटी का कपड़ा नसीब हो सके, पर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पीडीएस डीलर की गिद्ध नज़र पड़ गई है। वहीं जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली है कि पीडीएस डीलर अच्छे क्वालिटी का कपड़ा को ऊंचे दाम में बाजार के दुकानों को बेच रहा है, जहां कम कीमत वाला निम्न क्वालिटी का कपड़ा उन गरीबों को दे रहा है जो सोना सोब्रम योजना के लाभुक हैं। जहां खबर मिली है कि लाभुक पीडीएस डीलर दुकानों के घटिया क्वालिटी का कपड़ा देने की बात कहने पर पीडीएस डीलर ने कार्डधारी को कार्ड से नाम काटने की धमकी भी देने की बात सामने आई है। वहीं इस बात की खबर जिला प्रशासन को मिलने पर रेस हो गई है, जहाँ कुमार डूबी ओपी थाना क्षेत्र के जोगरात पंचायत के पीडीएस डीलर इदरीस मसूरी के घर गोदाम व पर छापेमारी करते हुए कुमार डूबी बाजार स्थित दुकान में भी छापेमारी कर लगभग 160 पीस धोती साड़ी व लुंगी बरामद की गई है। जहाँ जिला प्रशासन ने पीडीएस डीलर इदरीस अंसारी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुट गई है, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन ने कहा सरकारी योजना का सामान बाजार में बिकने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई है और छापेमारी में सोना सोब्रम योजना का कपड़ा बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है, जहां दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। वहीं मौके पर उपस्थित निरसा बीडीओ एमओ प्रभास कुमार राय, एगार कुंड बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार, बहादुर मुर्मू, कुमार डूबी ओपी के एसआई सत्येंद्र कुमार सिंह अपने दल बल के साथ मौजूद थे। धनबाद से जिला ब्यूरो बुबई घोष की रिपोर्ट। संज्ञान में आया आपके दैनिक समाचार पत्र है, इसके आलोक में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी हिरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी झारखंड के साथ छापाबारी की गई और छापाबारी के क्रम बिक्री वेडिंग ट्रेडर्स जो है दुकान से तत्काल कितना टिकट होगा 96 पीस साड़ी 43 लुंगी 21 धोती जब्त किया गया है। जब्ती सूची तैयार कर उनके खिलाफ रिपी दर्ज की जाएगी, साथ ही उनकी अनुजप्ति अस्थायी तौर से रद्द की जाएगी। इस तरह की शिकायत वो अगर कहीं से आप लोगों के लिए भी कहना है कि अगर किसी तरह की सूचना तो हमारे वीडियो साहब अभी मार्केटिंग ऑफिसर के भी चार्ज में है, वीडियो साहब को या मुझे व्हाट्सएप करके या मैसेज करके आप खबर दें। किसी भी तरह की अनियमितता हम लोग बर्दाश्त नहीं, जो भी अनियमितता करेंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई। अभी जो आरोपी है, आरोपी अभी यहाँ हैं, अब प्रभारी आते हैं, FIR दर्ज होगा।